कितने लोगों का डिमांड ये था कि आखिरकार जो होम थिएटर होती है उनके पास अगर एडेप्टर से बजाने की सुविधा मिल जाए तो बहुत ही बेटर होता है, यानी कि इस तरह की एडेप्टर, तो आखिरकार इसमें कितने नंबर कितने एम्पियर की एडेप्टर लगेगी और कैसे इसका कनेक्शन होगा जिससे कि आपको तीनों का तीनों आईसी ऑपरेट हो जाए और साथ साथ आपकी ऑडियो बेटर क्वालिटी में निकल पाए। चलिए, कितने लोगों का क्वेश्चन ये भी उठता है कि आखिरकार एडेप्टर से क्यों नहीं बजाई जाती है होम थिएटर, उसमें ट्रांसफार्मर 12.0.12 नंबर की क्यों दी होती है 2 एम्पियर में। आज मैं उसी रूप में विशेष रूप से बात करने वाला हूँ कि अगर होम थिएटर का अगर आपके पास होम थिएटर है, जैसे ये इंटेक्स कंपनी के होम थिएटर आपके पास अगर हो, अगर इसमें की अगर आपकी ट्रांसफार्मर खराब हो जाती है तो इसको आप एडेप्टर से कैसे बना सकते हैं और कैसे बजा सकते हैं, इसकी कनेक्शन कैसे की जाती है, सारी की सारी जानकारी आपको थोड़ी सी मिल वाली है। सो गाइस, सबसे इंटरेस्ट रहेगा तक जरूर बने रहिएगा। सो गाइस, मेरा नाम प्रिंस तिवारी, आप देख रहे हैं सिखो इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। देखते हैं कि आखिरकार इसको कैसे कनेक्शन की जाती है जिससे कि आपकी एडेप्टर से, ये जो आप नॉर्मल देख रहे हैं ये ओनली 12 वोल्ट की एडेप्टर होती है, यानी कि इसमें से बस दो ही वायर निकलते हैं, एक न्यूट्रल मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो इससे कनेक्शन कैसे की जाती है, यानी कि आपकी ट्रांसफार्मर में 3 वायर निकलती है 12.0.12 में, 2 फेस और 1 न्यूट्रल, तो आखिरकार इसमें आपको दो ही वायर है, तो इसको कैसे कनेक्शन की जाती है सारी की सारी विश्लेषण आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। सो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। सो फाइनली चलते हैं होम थिएटर पे और इसकी कनेक्शन आपको मैं डिटेल्स रूप से समझाने वाला हूँ कि 12.0.12 में जो 2 कैपेसिटर के से कनेक्शन कराई होती है, जो कि 2 कैपेसिटर लगे रहते हैं, उस कैपेसिटर के जगह पे आप एडेप्टर के कैसे कनेक्शन करेंगे, क्योंकि वो पैरेलल मोड में रहते हैं, सॉरी सीरीज मोड में रहते हैं, वो पैरेलल मोड में नहीं रहते हैं, तो पैरेलल और सीरीज मोड नहीं जानते हैं तो मैं उसको ऑलरेडी वीडियो बनाऊंगा, देख लीजिएगा। होम थिएटर में जो भी कैपेसिटर लगे रहते हैं वो सीरीज मोड में रहते हैं, पैरेलल मोड में नहीं रहते हैं। पैरेलल मोड में रहते हैं तो थोड़ी सी इजी हो जाती, लेकिन सीरीज मोड में रहते हैं इसलिए थोड़ी सी टॉप हो जाती है कि आपको उसको कैसे कनेक्शन करनी है जिससे कि आपकी होम थिएटर बेसिकली जैसे बेस और क्वालिटी जैसे मतलब ट्रांसफार्मर से काम करती है सेम उसी क्वालिटी से इससे भी काम करती है। जैसे आपको दिखेगी कि हमारे पास अभी इंटेक्स कंपनी की होम थिएटर है, तो इसमें ट्रांसफार्मर इनबिल्ट लगी रहती है, यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें ट्रांसफार्मर इसके अंदर लगी रहती है, तो इसमें मैं इसके पीसीबी पे कनेक्शन करने वाला हूँ और फाइनली आपको बजा करके और सुनाने वाला हूँ इसी एडेप्टर से इसको बजा करके ऑपरेटिंग करके आपको सुनाने वाला हूँ इसकी कनेक्शन कैसे की जाती है। सबसे पहले आप इस एडेप्टर का थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लीजिए और इसका मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसी एडेप्टर से, ये एडेप्टर केवल चेक करने के लिए मैं लिया हूं, इसमें फाइनली कितने एम्पियर की एडेप्टर लगेगी वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा जिससे कि आपको बेटर होगी कि आप उतना ही एम्पियर का एडेप्टर लेंगे, क्योंकि इस एडेप्टर से मैं मानता हूं कि आवाज दब जाएगी, यानी कि जैसे ही आपकी बेस बढ़ेगी तो उस सिचुएशन में आपकी आवाज दब जाएगी, तो इसमें ट्रांसफार्मर तो आपका 12.0.12 लगे रहते हैं, इसमें 12.0.12 2 एम्पियर के लगे रहते हैं, लेकिन आखिरकार एम्पियर में अगर आएंगे तो एडेप्टर कितने एम्पियर का आपको लेना चाहिए था। सबसे पहले आपको कनेक्शन कहाँ करनी होगी, तो कनेक्शन करने के लिए मैं 2 वायर ले लेता हूँ, हमारी 2 वायर ये हो जाती है ये वाली, तो मैं 2 वायर ले लेता हूँ। अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये पीसीबी है, ये पीसीबी है इसका, तो पीसीबी में आपको इसका कहाँ कनेक्शन करनी होगी, तो पीसीबी में आप देखेंगे तो एक यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कैपेसिटर लगी रहती है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी एक कैपेसिटर लगी रहती है, तो कैपेसिटर नंबर 2 पे यानी कि अंदर वाली जो कैपेसिटर होगी, ये वाली कैपेसिटर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, ये वाली कैपेसिटर होगी, इसके पॉजिटिव पे आपको ये वाली मतलब इसके पॉजिटिव पे, इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पे मतलब प्लस वाली चिन्ह पे आपको रेड वाला वायर जोड़ना है, तो ये हमारी प्लस वाली चिन्ह ये हो जाती है, तो मैं यहाँ से ये जोड़ लेता। थोड़ी सी जानकारी ये भी दे दूं आपको कि इसमें जो 20-30 ऑडियो आईसी होती है इसमें प्लस पॉइंट भी जाती है और माइनस पॉइंट भी जाती है, यानी कि आईसी के दो टर्मिनल जाते हैं जहां पे आपको प्लस वोल्ट भी जाती है और माइनस वोल्ट भी जाती है, बॉडी और को छोड़ करके ये दोनों जाती है, अगर दोनों वोल्ट को कैलकुलेट करते हैं तो दोनों पे आपको प्लस 12 वोल्ट भी रहती है और प्लस 13 वोल्ट भी रहती है, दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाती है 24 वोल्ट, यानी कि 13 × 26 वोल्ट की ऑपरेटिंग से ये 20-30 बचती है, लेकिन हमको इसको ऑपरेट कराना है 12 वोल्ट से, तो 12 वोल्ट से ऑपरेट कराने के लिए इसकी मतलब इसकी कनेक्शन मतलब आप यूनिक रखेंगे तभी ये डिवाइड होकर के आपको वहां तक 24 वोल्ट पुग पाएगी, इसलिए बजेगी नहीं तो नहीं बजेगी। अब तो मैंने आपको प्लस का कनेक्शन बता दिया, अब रहता है इसमें माइनस का, तो माइनस के कनेक्शन करने के लिए आपकी जो ये कैपेसिटर होती है, ये जो सेकंड वाली कैपेसिटर होती है, इसके माइनस वाले हिस्से को इसके माइनस वाले हिस्से पे आपको यहाँ पे माइनस का वायर ऐड करना होगा, ये नहीं कि आपकी दोनों कैपेसिटर में से किसी पे भी आप प्लस माइनस को ऐड कर दीजिएगा तो बजने लगेगा, वैसा बिल्कुल भी नहीं। जैसे मैंने आपको बताया अंदर वाले कैपेसिटर के पॉजिटिव पे आपको पॉजिटिव जोड़नी होगी और बाहर वाले कैपेसिटर के नेगेटिव पे आपको नेगेटिव जोड़नी होगी, ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप लोग अगर एक ही कैपेसिटर से पॉजिटिव और निगेटिव निकाल लेते हैं तो आपकी फाइनली वो होम थिएटर नहीं बजेगी, क्योंकि ये सीरीज मोड में लगी रहती है कैपेसिटर, तो इसलिए एक कैपेसिटर से पॉजिटिव और एक कैपेसिटर से नेगेटिव निकालेंगे तभी आपकी आईसी पे हो जाए ये आपकी वोल्टेज पुक कर आपकी वोल्टेज निकल करके आएगी यहाँ पे 24 वोल्ट। अब मैं इस एडेप्टर को डालता हूँ सप्लाई में और सप्लाई में डालने के बाद सबसे पहले इस एडेप्टर की मैं वोल्ट को चेक कर लेता हूँ, तो वोल्ट को चेक करने के लिए मैंने ये डीसी मल्टीमीटर लिया, तो आपको दिखेगी कि यहाँ पे 12 वोल्ट इसकी ऑपरेटिंग 12 वोल्ट की है। अब इस 12 वोल्ट को मैं सप्लाई करूंगा इसमें,
इस 12 वोल्ट की हम सप्लाई करेंगे अब हमारे होम थिएटर में। तो होम थिएटर के अब मैं लेकर के चलता हूँ अपने अगले वाले हिस्से पे। तो अगले वाले हिस्से पे देखेंगे तो हमारी यहाँ पे पावर आ चुकी है, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारी पावर यहाँ पे आ चुकी है। अब मैं इसमें करने वाला हूँ म्यूजिक की टेस्टिंग, यहाँ इन हो चुकी है। अब मैं इसमें देता हूँ आपको सप्लाई, तो सप्लाई देने के बाद क्या रिजल्ट निकल के सामने आती है आप लोग देखिए। जैसे आपको सुनाई दे रहा होगा कि हमारी गाने बज रही है, हम अधिक देर तक नहीं बजा सकते हैं ताकि कॉपीराइट आ जाएगी। तो लोगों मन में ये शंका रहेगा कि एक जोन में बजेगी, यानी कि स्पीकर की आउटपुट एक जोन में बजेगी, दूसरी जोन में नहीं बजेगी, क्योंकि दूसरी जोन की सप्लाई अलग होती है। तो फाइनली ये जोन अभी आप देखेंगे तो ये हमारे निचले वाली जोन से बज रही है, जैसे आपको दिखाई सुनाई दे रहा होगा। अब मैं इसमें डालता हूँ ऊपर वाले में, तो ऊपर वाले में भी बज रहा है, नीचे वाले में भी बज रहा है। तो ये कंफर्म हो चुके होंगे कि आपको एडेप्टर से भी, इस एडेप्टर से भी होम थिएटर को बजाई जा सकती है। लेकिन अब फाइनली बात ये आती है कि आखिरकार होम इस कनेक्शन के बारे में तो आप लोग प्रॉपरली रूप से समझ गए होंगे कि एक कैपेसिटर से नेगेटिव पॉइंट निकाली जाती है, जो बाहर वाली कैपेसिटर होती है वहां से नेगेटिव पॉइंट ली जाती है, और जो अंदर वाली कैपेसिटर होती है उसे पॉजिटिव पॉइंट ली जाती है। तो अब बात निकल के ये आती है आखिरकार कि अगर इस एडेप्टर को ऑपरेट करने के लिए, होम थिएटर को ऑपरेट करने के लिए कितने एम्पियर की एडेप्टर आपके लिए उचित होगी। 12012 2 एम्पियर में आपका ट्रांसफार्मर लगा रहता है, जो कि 12012 2 एम्पियर में आपका ट्रांसफार्मर लगा रहता है। लेकिन वहीं अगर एडेप्टर का बात करेंगे तो एडेप्टर आपको लेना होगा 4 एम्पियर का, क्योंकि एडेप्टर ट्रांसफार्मर और एडेप्टर की अपेक्षा बहुत ही लोअर क्वालिटी एडेप्टर देती है। इसलिए आपको एडेप्टर 4 एम्पियर का लेना होगा अपने होम थिएटर को ऑपरेट करने के लिए। ये मैंने टेस्ट करने के लिए 2 एम्पियर लिया था। अगर इसी से अगर फुल साउंड में अगर बात करेंगे, फुल साउंड में बजाएंगे अपने होम थिएटर को, तो आपकी पैनल की लाइट चली जाएगी, यानी कि जो ब्लूटूथ की लाइट होगी वो चली जाएगी। लोग समझ गए होंगे कि होम थिएटर को ऑपरेट करने के लिए कितने एम्पियर की एडेप्टर सही होती है या कैसे उसकी कनेक्शन की जाती है। अगर आपको किसी भी तरह की इसमें त्रुटि लग रही है, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, उस पर आपको सारी की सारी सॉल्यूशन मिल जाएगी। अगर कनेक्शन समझ में नहीं आ रही है तो फोटो लेकर के हमको इंस्टाग्राम करिएगा, मैं आपको कनेक्शन की ड्रॉइंग वहां से समझा दूंगा। नए वीडियो में तब तक तो आपको कन्फर्मली याद हो गया होगा कि होम थिएटर को कैसे बजाई जाती है अपने अडेप्टर से। नए वीडियो में तब तक हमको दीजिए इजाजत। बाय बाय, जय श्री राम।